कल जो है बड़ी धुआंधार बारिश हुई, सबने आनंद लिया। और कल केवल बारिश ही नहीं हुई, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कल केवल बारिश नहीं हुई अपितु कल जो है दो दो इंद्रधनुष का भी दर्शन हुआ। और हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा जाता है कि एक इंद्रधनुष दिखे तो यह प्रकृति का सौंदर्य है। कभी कभी इंद्रधनुष बनता है, प्रत्येक बारिश में नहीं बनता। प्रकृति का सौंदर्य का दर्शन ही इंद्रधनुष का संकेत होना। इंद्रधनुष अगर बन रहा है तो यह संकेत है कि प्रकृति का सौंदर्य अपनी लावण्य, प्रकृति की लावण्यता, प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। और उसमें भी कल दो दो जो है इंद्रधनुष दिखे तो ये इंद्रधनुष का दो दो दिखना खगोल विज्ञान के आधार पर, अपना जो है दो दो इंद्रधनुष का दिखना, ये एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि शुभ संकेत है। और शुभ संकेत बड़ा ही शुभ संकेत कैसा है, बोले शुभ संकेत ऐसा है कि अब इस समय महामारी से हम लोग पूरे भारतवासी त्रस्त हैं। केवल हम ही नहीं, अभी तो संपूर्ण पूरा विश्व त्रस्त है। और जब पूरा विश्व त्रस्त है तो उस समय पर ये एक तो अक्षय तृतीया जैसा पावन पर्व, और अक्षय तृतीया में भी इंद्रधनुष का उसमें भी एक नहीं दो, कल मैं देख रहा था तो कल सबसे ज्यादा और लगभग शायद पूरे भारत में ही नहीं, मतलब जहां जहां पर पानी पड़ा है सब जगह लगभग सबने दर्शन किया है। कल सबसे ज्यादा बार जो सर्च आउट किया गया है वह है इस बात का सर्च आउट किया गया है कि भाई सबसे ज्यादा कि ये दो इंद्रधनुष का संकेत और संदेश क्या होता है। ये जो सबसे ज्यादा जो सर्च आउट सबसे ज्यादा लोगों ने इसको पूछा है, सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डबल रेनबोज, द मिस्ट्री ऑफ डबल रेनबोज करके उन्होंने पूछा है द वेदर चैनल। तो उस पे आप जाएंगे अगर आप देखेंगे तो उस पे सबसे ज्यादा जो लोगों के प्रश्न रहे, लोगों ने जो पूछा है उसमें यही पूछा है कि ये दो इंद्रधनुष होने का क्या संकेत है, द मिस्ट्री ऑफ डबल रेनबोज। तो द वेदर चैनल पर उन्होंने उसका उसको सॉल्व करके उन्होंने उसको बाकायदा उन्होंने बड़ा सुंदर दिया है कि अ डबल रेनबो इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ साइन ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छा संकेत है। अगर आप जीवन में अगर कभी आप दो इंद्रधनुष एक साथ, अरे कईयों बार तो तीन तीन बनते हैं। हम लोग महाराज जी जब उधर गए थे उधर केदारनाथ की यात्रा पर, तो केदारनाथ की यात्रा में भी तो इंद्रधनुष का दर्शन किया था। बादलों से ऊपर थे हम लोग, बादलों से ऊपर केदारनाथ की यात्रा पर, और केदारनाथ की यात्रा में इंद्रधनुष का ऐसा इतना सुंदर दर्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे गिरा पास में, इतना पास। उसमें यह कहा गया है कि एक इंद्रधनुष का दिखना बहुत अच्छा संकेत होता है, बट इन अ डबल रेनबोस द कलर्स आर इनवर्ट। इसमें जो कुछ भी दिया गया है उसमें संदेश और संकेत सिर्फ यही है कि दो इंद्रधनुष का दिखना अपने आप में बड़ा शुभ संकेत है। तो चलिए बाबा मनकामेश्वरनाथ जी कृपा करें, बाबा का आशीर्वाद हो, हम जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन पीरियड से हम लोग बाहर आए, और बाहर आकर के हम पुनः इस अपनी जीवन दिनचर्या को धारण करें। कल से 7 दिन भी हैं अवधि के, 3 मई तक के, कल का 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, चलिए प्रयास करते हैं सप्ताह भर में शायद जो है, हाँ कल से अगर देखा जाए तो 3 मई से 3 मई तक जो है 7 दिन हो रहे हैं, तो 7 मई तक देखिए अगर बाबा की कृपा हो शायद ये लॉकडाउन हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी अब इसको करते हैं श्रीमद् भागवत को, जैसा भी रहता है चिंतन को। इस चिंतन का अर्थ सिर्फ ये है, अभी तो ये मानिए कि अभी तो महात्मा ही चल रहा है, अर्थ है कि हम अपने ग्रंथों के बारे में जाने कि अगर ये ग्रंथ में अगर ये सब दिया जाए। मैंने कहा ना कि नारद जी की वीणा हमारे शरीर के अंदर भी, आप लोग जानते हैं नारद जी की वीणा हमारे शरीर के अंदर कहां है, जरा विचार करिए कि नारद जी की ही वीणा जो है एक, अच्छा वीणा का स्वरूप देखिए, वीणा का स्वरूप आप दर्शन करें तो वीणा का स्वरूप में एक
मुख्य जो सूत्र होता है वह मुख्य सूत्र होता है उसका धागा, उसका सूत्र। वीणा का जब आप दर्शन करने जाते हैं तो उस वीणा का, नारद जी की वीणा का, जो वीणा का जो दर्शन, आपने गिटार वगैरह या आपने तानपुरे वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसमें उसके जो तंतु होते, उसके जो सूत्र होते हैं, उसके जो तंतु होते हैं, उसके जो लोहे के जो लंबे लंबे धागे होते हैं जिनको कसा जाता है, यही उसका मुख्य सूत्रधार होता है। यहां पर नारद जी महाराज की जो वीणा है वो ना वो ना वो वीणा धारी सुरर्षि, वो नारद कहीं और नहीं है, वो नारद हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। और वो नारद अगर हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है तो उसकी वो वीणा का वो तार भी तो होना चाहिए हमारे शरीर में, तार है हमारे शरीर में, वो तार कहां है जरा विचार करिए, वो तार आप लोग ढूंढिए कहां पर है वो तार। थोड़ा सा बस 10 क्षणों का मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि 10 क्षणों के लिए मैं थोड़ा सा इस बात को यहां पर कि वो जो नारद जी महाराज की जो वीणा का जो तार है वही तार हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और हमारे शरीर के अंदर अगर विद्यमान है तो जरा विचार करिए कि उसका दर्शन हम कैसे करें। तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर नारद तत्व भी है, और नारद तत्व तो वैसे ही सबके अंदर है आज के समय में, इस कलयुग में। नारद जी महाराज क्या करते हैं, हम लोगों ने नारद जी के चरित्र के बारे में बड़ा सुंदर साहब ने एक जान लिया कि नारद जी लगाई और बुझाई का काम करते हैं। नारद जी क्या काम करते हैं, लगाई और बुझाई का काम करते हैं, इधर लगाते उधर बुझाते, उधर बुझाते इधर लगाते, इधर विचार करिए। लेकिन नारद जी का वास्तविक स्वरूप ये नहीं है, नारद जी का वास्तविक स्वरूप है क्या, नारम ज्ञानम ददाति सनारदा, अर्थात जो नारद जी महाराज हैं वह है, नारद जी महाराज ज्ञान देने का कार्य करते हैं, और वह नारद का वह जो तार है वो शरीर के हमारे अंतर में कहां पर विराजमान है, जरा ढूंढिए उस तार को। तो वीणा धारी सुर ऋषि स्वर छल स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्र वादन मृदंग, इंद्र मृदंग बजाता है। इंद्र मृदंग भाई क्यों कुशल, इंद्र को कार्य मृदंग का क्यों दिया। कभी आपने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है, बादल जब गड़गड़ाते हैं गरजते हैं, बादल जब बरसते समय जब गरज रहे हैं और जिस तरीके बोले वो क्या बोले, वो प्रकृति का स्वर है, वो प्रकृति का मृदंग है, वो प्रकृति का एक प्रकार से बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र है। और बादलों का स्वामी कौन, बादलों को साधने वाला कौन, बादल किसकी आज्ञा का पालन करते हैं। श्रीमद भागवत में मेघों को इंद्र ने गोवर्धन को समाप्त करने की कि जाओ ब्रज में जाकर के इतने ज्यादा बरसो कि जो है ब्रज डूब जाए, त्राही त्राही मच जाए। तो अर्थ हुआ बोले वेदों का राजा कौन है, तो वेदों का राजा है इंद्र। जो है बादलों का राजा कौन, बादलों का राजा है इंद्र। तो वहां पर उन्होंने मेघों को, मेघों का राजा कौन, बोले मेघों का राजा इंद्र। तो मेघों को उसने जाकर के आज्ञा दी इंद्र ने। और जब ये आप प्रकृति का बड़ा सुंदर ये गान है, ये बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र है प्रकृति का कि बादल जब गरजते हैं, बादल जब गड़गड़ाते हैं, बादल जब घनघोर आवाज करते हैं, तो आप इस आवाज को वो जो मृदंग बजता ना उस मृदंग के अनुसार आप इसको देखिए। तो इंद्रो वादन मृदंग, अर्थात ये हमारे जीवन की कथा केवल हमारे जीवन, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर भी गड़गड़ाहट होती है, गुड़गुड़ाहट होती है स्वामी जी। हाँ महाराज जी कह रहे हैं गुड़गुड़ाहट होती है, गुड़गुड़ाहट नहीं होती है महाराज जी, गड़गड़ाहट होती है। वो गुड़गुड़ाहट जब पेट खराब हो जाता है तो गुड़गुड़ाहट होती है, गड़गड़ाहट होती तो घबराते हैं फिर तो भागते हैं, गड़गड़ाहट होती है तो। हाँ ऐसा नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी कईयों बार हमारे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मृदंग भी बज रहा है, हमारे शरीर के अंदर नारद की वीणा भी बज रही है। जरा नारद की वीणा का दर्शन करिए आप, है
नारद जी, नारद की वीणा का दर्शन क्या है? अब नारद की वीणा आप लोग अपने शरीर के अंदर देखें, नारद की वीणा का एक तार आपके शरीर के और हमारे अंदर है, वह है तार कौन सा है? कभी आपने उस तार को महसूस किया? नहीं किया होगा। वो तार का इधर से उधर हो जाए ना तो पूरा हमारा बॉडी का जो जितना भी स्ट्रक्चर है इंटरनल बॉडी का वो सबका सब बिगड़ जाता है।